देख रहे हैं ghamasan.com, मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया। क्या आपने कभी किसी ऐसे लड़के के बारे में सुना है जो अपनी माँ की दूसरी शादी पर अपनी माँ को बधाई दे रहा हो और फेसबुक पर एक पत्र लिखकर अपनी माँ को इस नई जिंदगी के लिए बधाई दे रहा हो? जी हाँ, ये एक मामला है केरल का, जहाँ एक बेटे ने अपनी माँ को उसकी दूसरी शादी पर बधाई दी है और ये कहा है कि माँ आपको अपनी नई शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे और भी है कुछ और बातें, तो देखिए हमारी इस पूरी रिपोर्ट में। हम बात कर रहे हैं केरल की। यहाँ एक नौजवान लड़के ने अपनी माँ को उसकी दूसरी शादी के लिए बधाइयाँ दी हैं और वो अपने माँ के नाम एक पत्र भी लिखा है, जिसमें वो अपनी माँ को अपने नए जीवन के लिए शुभकामनाएं दे रहा है। इस जवान लड़के का नाम गोकुल श्रीधर है और ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। गोकुल ने अपने फेसबुक अकाउंट पर अपनी माँ के लिए एक पत्र लिखा है और पत्र लिखने की वजह ये रही है कि गोकुल ने अपनी माँ की शादी में अपने पिता के साथ बहुत सारी परेशानियाँ देखी हैं और माँ को कई यातनाएँ सहते हुए देखा है और गोकुल को इस बात का हमेशा दुख रहा कि शायद उसकी माँ सिर्फ उसके लिए ये सब सहन कर रही है, सारे बलिदान कर रही है और उनकी दूसरी शादी से गोकुल बहुत ही खुश है। शायद गोकुल को ये पत्र लिखने से पहले कुछ डर सा लग रहा था, उसे लग रहा था कि समाज इस चीज़ का विरोध करेगा, लेकिन आखिरकार गोकुल ने हिम्मत जुटाकर अपने पत्र की शुरुआत ही इस चीज़ से कही कि जिन लोगों को इस पत्र से परेशानी है और जिसकी छोटी सोच है और कम दिमाग है, वे लोग उसकी पोस्ट से दूर रहें। गोकुल ने अपनी माँ और उनके दूसरे पति की तस्वीर लगाकर अपनी माँ को शादी की मुबारकबाद दी है और गोकुल ने लिखा है कि एक औरत जिसने मेरे लिए अपनी खुशियाँ, अपना जीवन एक किनारे कर दिया, अपनी पहली शादी में माँ ने बहुत दुख झेले, वो पिटाई खाती थी, पिटने के बाद उसके माथे से खून टपकता था। ऐसे में मैंने माँ से कई बार पूछा कि वो क्यों सह रही है ये सब। मुझे याद है माँ का जवाब, उसने कहा था कि वो मेरे लिए हर तकलीफ सहने को तैयार है क्योंकि वो मेरे लिए ही जी रही है। उस दिन जब मैंने माँ के साथ उस घर को छोड़ा, तभी मैंने इस पल का फैसला कर लिया था। मेरी माँ ने मेरे लिए अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर दी। उसके भी कुछ सपने थे, उसको भी बहुत कुछ हासिल करना था। मेरे पास और कुछ नहीं है कहने को, मुझे बस ये महसूस हुआ कि ये ऐसी बात है जिसे छुपाकर नहीं रखा जाना चाहिए। माँ आपको शादीशुदा ज़िंदगी की बहुत मुबारक हो। ये वो पंक्तियाँ थीं जो गोकुल ने अपने पत्र में अपनी माँ के लिए लिखी। हालांकि गोकुल ने तो समाज की कुरीतियों से ऊपर उठकर अपनी माँ का साथ दिया और उसकी शादीशुदा ज़िंदगी की मुबारकबाद दी, लेकिन हम किस समाज में रह रहे हैं जहाँ किसी को दूसरी शादी कर अपना जीवन जीने का अधिकार भी खुलकर नहीं दिया जा रहा है? तो हमें भी शायद गोकुल जैसे नौजवान से सीख लेनी चाहिए जो इस देश का भविष्य है और उन लोगों को उनका जीवन उनके तरीके से जीने की आज़ादी देने के बारे में सोचना चाहिए। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।